हेलो फ्रेंड, ये जो लिक्विड है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड, और बिल्कुल ऑर्गेनिक लिक्विड है। इसे आप घर पर आसानी से बनाकर अपने प्लांट पर डाल सकते हैं, और इसे डालने के बाद आपके प्लांट पर ना बहुत हैवी फ्लावरिंग होगा। ये पूरी तरह से पोषक तत्व से भरपूर है, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट को चाहिए। अभी हमारे सर्दियों के प्लांट के लिए ये जो लिक्विड है ना, बहुत ही बेस्ट लिक्विड है फ्रेंड्स। और ये जो कलौंचू का प्लांट होता है ना, हमारे सर्दियों का बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है। अगर आप इसकी अच्छे से केयर कर लेते हैं ना, तो ये जो प्लांट है ना फ्रेंड्स, पूरी सर्दियाँ आप अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, और इसे आप गर्मी में भी बहुत आसानी से बचा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कलौंचू का जो प्लांट होता है ना, गर्मियों में बहुत अधिक ख़राब हो जाता है। इसे बचाना बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसे आप ना किस तरह से सेव करके रख सकते हैं। इसके जो लीव्स होते हैं ना, उसको आपको ना लीव्स से नए प्लांट लगाने हैं, क्योंकि जो ये प्लांट होता है ना फ्रेंड्स, जो मदर प्लांट होता है, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। अगर आप इसी तरह से देखिए, इस तरह से जो ना लीव्स होते हैं ना, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो इसके लीव्स होते हैं, उससे ये नए प्लांट्स इससे लगते हैं। तो इसके लीव्स से आप ना बहुत सारे नए प्लांट्स बना सकते हैं, उसे आपको सेव करके रखना है। तो हमारा जो कलौंचू का प्लांट होता है ना फ्रेंड्स, वो धूप का प्लांट होता है। इसे धूप धूप बहुत पसंद है। अगर आपने इसे ऐसे जगह रख देंगे, छाया वाली जगह पर रख देंगे ना, तो आपका जो प्लांट है ना, अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा। कई लोग बोलते हैं कि जो कलौंचू का प्लांट होता है ना, वो उसे धूप बहुत कम दिखलाना पड़ता है, लेकिन ना जो कलौंचू का प्लांट होता है, जो हमारा सेकुलेंट प्लांट होता है, उसे धूप बहुत ज़्यादा पसंद होता है। धूप में ही ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो अभी सर्दियों में ना आपको पानी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो प्लांट होते हैं ना, सेकुलेंट प्लांट होते हैं, उसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। आपको ना इसकी मिट्टी को चेक करने के बाद ही इसको पानी देना है। हल्की सी आपके प्लांट्स की मिट्टी में नमी होना, तो आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है। मिट्टी के इस तरह से ना सूख जाने के बाद, देखिए इस तरह से जब पानी सूख जाता है ना मिट्टी से, तब आपको पानी देना है। तो फ्रेंड, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे ना, तो आपका जो प्लांट है ना, वो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, ग्रोथ करेगा, और आपका जो प्लांट है ना, इसी तरह से फूलों से भर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बेबी प्लांट है ना, ये लिप्स से ग्रो हुआ है, और ये वाला जो कलौंचू का प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें फ्लावरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इसमें बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। और देखिए, ये भी ना जो है ना, लिप्स से तैयार हुआ मेरा कलौंचू का प्लांट है। तो आप भी ना इसी तरह से लिप्स से इसे तैयार कर सकते हैं। तो अभी सर्दियों में इस लिक्विड का यूज़ अपने कलौंचू के प्लांट पर करेंगे ना, तो आपका जो कलौंचू का प्लांट है ना, भर भर कर फ्लावरिंग करेगा, और आपका जो कलौंचू का प्लांट है, सर्दियों में बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये फर्टिलाइजर जिसे हमने तैयार किया है, वो है प्याज का छिलका। तो प्याज का छिलका बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे प्लांट्स के लिए। इसमें ना फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, और ये बहुत ही अच्छा फंगीसाइड का भी काम करता है फ्रेंड्स। अगर इसका फर्टिलाइजर बनाकर अपने प्लांट्स पर डालेंगे ना, तो आपकी प्लांट्स की मिट्टी में ना कीड़े मकोड़े आएंगे, ना ही फंगस लगेगा, और ना ही आपकी प्लांट्स की पत्तियाँ ख़राब होगी। तो देखिए, इस तरह से इसका फर्टिलाइज़र बना लेना है। इसको एक दिन तक पानी में भिगा कर रख लेना है, और एक दिन तक पानी में भिगाएंगे ना, तो ये अच्छे से फार्मेट हो जाएगा, और हमें इस तरह से एक लिक्विड मिलेगा, जिसे हमें छान लेना है। और ये पूरी तरह से पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन से भरपूर है, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें नॉर्मल पानी मिलाना है, और नॉर्मल पानी मिलाकर अपने प्लांट्स में देना है। तो देखिए, इस तरह से इसमें हमें नॉर्मल पानी मिला लेना है, और इस तरह से इसमें इसे डाल देना है। ये वाला जो कलौंचू का प्लांट है ना फ्रेंड्स, वो देसी वाला है। इसे आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब ये जो है ना, हाइब्रिड है। अभी इसके जो प्लांट है ना, वो छोटे छोटे हैं। जब इसमें ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी ना इसी तरह से जो लीव्स से ना न्यू बेबी प्लांट्स इसके बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जब एक बार बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, और गुच्छों में बर्ड्स आते हैं, और जब एक बार इस तरह से फ्लावरिंग करते हैं ना, तो ये 15 दिन तक कम से कम इसके फ्लावर इसी तरह से खिले रहते हैं फ्रेंड्स। इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। अभी ये सर्दियों का बहुत ही बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। और ये जो खाद है ना फ्रेंड्स, ये हमारे किचन में ही मिलने वाला खाद है। इसको आप घर पर आसानी से बनाकर अपने प्लांट्स पर डाल सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके प्लांट्स की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाएगी, आपके प्लांट्स की मिट्टी की, ये जो प्लांट्स की मिट्टी जो हार्ड हो जाती है ना, उसको भुरभुरी बनाएगी, और बहुत सारे इसके फायदे हैं फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स में। इसका यूज़ आप अपने प्लांट्स पर ज़रूर करें। तो भी सर्दियों में अगर आप अच्छे से इसकी केयर कर लेंगे ना, तो ये कम से कम ना मार्च से अप्रैल तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और गर्मियों में ना इसे बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप भी ना इसी तरह से लिप्स से इसके नए नए बेबी प्लांट बनाकर इसे सेव करके रख सकते हैं। और अभी सर्दियों में अगर ये काम कर लेंगे ना आप, तो आपको बाद में इस तरह से जो बेबी प्लांट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अभी सर्दियों में इसके जो लिप्स हैं ना, वो जल्दी से ग्रो हो जाते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा सा लिप्स यहाँ पर मैंने एक महीने पहले लगाया था। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें इसके बेबी देखिए, इसमें जो है ना, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें रूट्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप भी ना इसी तरह से जो है नए नए बेबी प्लांट्स बना सकते हैं। तो मैं इसको ना यहीं पर ही लगा देती हूँ, क्योंकि इसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में ये ना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप भी ना इसी तरह से देखिए, इस तरह से आपको लगा लेना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।